वीडियो और आप देख ही सकते हो आज होने वाला एक हॉल वीडियो एंड दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम अ ज़ारा हॉल वीडियो। मैंने ज़ारा की सेल से बहुत ही कम शॉपिंग की है जैसे कि आप देख ही सकते हो। सो गाइस टुडे आई विल बी टेकिंग यू थ्रू ऑल द शॉपिंग दैट आई डिड फ्रॉम ज़ारा सेल, ज़ारा समर सेल जो लगती है एंड मैंने स्टोर से ही शॉपिंग करी है, दिस इज नॉट ऑनलाइन शॉपिंग। सो गाइस लेट्स स्टार्ट, बहुत सारा कुछ दिखाने को है, बहुत सारी चीजें बताने को है, सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। ओके सो आई एम गोइंग टू बिगिन विद द वेरी फर्स्ट थिंग दैट आई यू नो फेच एज सून एज आई गॉट इनटू द स्टोर और वो था ये बहुत ही सुंदर बैग। आई एम अ सकर फॉर बैग, मुझे आजकल बैग इतने ज्यादा पसंद आ रहे हैं कि मैं जहां जाती हूँ, चाहे मैं एल्डो जाऊँ, चाहे मैं गेस्ट जाऊँ, चाहे मैं जिस भी ब्रांडेड स्टोर में जाऊँ, एक बैग तो मैं लेती ही लेती हूँ। आजकल मुझे सब फीवर सा चढ़ गया है एंड इस बैग की जो रियल प्राइस है वो है 3000 रुपीज, पर मुझे सेल में ये 2500 में पड़ा। हालांकि बहुत ज्यादा डिफरेंस भी नहीं है लेकिन ये इतना सुंदर था कि मैं इसको छोड़ नहीं पाई। सो दिस इज माय वेरी फर्स्ट परचेज और ये एक आप देख सकते हो ऐसा बैग है, दिस इज ब्लैक इन कलर, तो किसी भी आउटफिट के साथ जाएगा। ये जो इसके एम्बेलिशमेंट्स है इनकी वजह से आप इसको ट्रेडिशनल आउटफिट पे भी ले सकते हो एज वेल एज अगर आप कुछ वेस्टर्न पहनते हो, इफ यू वांट टू यू नो पुट समथिंग लाइक अ स्टेटमेंट पीस तो आप इसको उस तरीके से रख सकते हो। अब सिंपल ड्रेस बड़ा स्टेटमेंट बैग कैन गिव योर आउटफिट लाइक अ 10 out of 10, तो उसके लिए मैंने इसे खरीदा है एंड डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं आपको दे दूंगी, आप जरूर जरूर से इसको देख सकते हैं। This is again a bag and this is a compact sort of a bag और ये मैंने उठाया है boys के section में से। अब मुझे तो ऐसा कुछ देखो bags में और इनमें ना मैं boys और girls ऐसा मुझे कुछ नहीं होता है, मुझे जो अच्छा लगता है मैं ले लेती हूँ एंड इसकी प्राइस थी 2500 इसकी प्राइस है एंड दिस वॉज नॉट ऑन सेल, सेल वाला आइटम नहीं था। एंड गाइज मैंने इसलिए लिया क्योंकि मैं ना कुछ ऐसी ड्रेसेस पहनती हूँ जैसे जो बहुत ज़्यादा यू नो ओवरसाइज होती है वैसी होती है, उनमें ना एक ऐसा बैग अगर आप ले लो तो वो काफी अच्छा आपके मतलब आउटफिट को ना एक साथ लेकर आता है। सो मैंने इसके लिए ये बैग लिया है। सो एज यू ऑल गाइज नो हम लोग बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हैं तो उसके लिए हमें एक ट्रैवल बैग चाहिए था, तो सूरज ने ये ट्रैवल बैग लिया है। पहले जाते ही सबसे पहले उसने ये बैग उठाया था, हम दोनों ने बैग ही उठाए सबसे पहले जाकर, ऐसा हमारा ऑब्सेशन बहुत बढ़ रहा है बैग्स के लिए। एंड इसकी प्राइस थी 6000 रुपीज बट सेल में हमें 3500 में पड़ा विच इज वेरी कॉस्ट इफेक्टिव क्योंकि 6000 का बैग इज लाइक टू मच, बट अगर वो ज़ारा का बैग और आपको हाफ प्राइस में मिल जाए देन आई थिंक इट्स नॉट अ बैड डील। एंड इसका क्वालिटी भी बहुत अच्छा है, स्पेशियस भी ये बहुत है, इसीलिए हमने इसको खरीदा क्योंकि ट्रैवलिंग के टाइम यू नो कितनी सारी चीज़ें आप एक साथ कैरी करते हो एंड उसके लिए अगर आप 3-4 बैग लेके जाओगे तो वो यू नो बहुत ज़्यादा क्लम्सी हो जाती है चीज़ें। सो फॉर दैट वी टुक दिस बैग एंड आई विल लिंक इट डाउन टू, अगर आप ट्रैवलिंग वगैरह करते हो देन ये आपके काम की चीज़ है। मैं आपको सारे जितने भी इसके अंदर पॉकेट्स वगैरह है वो सब आपको दिखाने वाली हूँ सो दैट यू नो कि कितना यूजफुल है। ज़ारा की सेल होती है तो मैं ना ज्यादातर बेसिक चीजें लेना पसंद करती हूँ, जैसे कुछ स्टेटमेंट होते हैं जैसे बिल्कुल अलग सा पीस होता है तो वो मैं अगर कोई ओकेजन होता है तो मैं मंगा लेती हूँ। अदरवाइज जब भी ज़ारा की ऐसी कोई अच्छी सेल होती है जैसे मिंत्रा वगैरह की सेल होती है, H&M पे सेल होती है तो मैं हमेशा बेसिक चीजों पर जाना पसंद करती हूँ क्योंकि उससे क्या होता है ना आप बहुत अच्छे से स्टाइल कर सकते हो चीजों को, तो आपके पास ऑप्शंस बढ़ जाते हैं। अगर आप क्वालिटी लोगे जैसे ज़ारा है H&M ऑलवेज गारंटीज क्वालिटी, तो अगर आपको क्वालिटी वाले अच्छे कपड़े चाहिए तो सेल बेस्ट टाइम है ज़ारा और H&M की, कर लो। तो मैंने इस बार भी ऐसा ही कुछ किया है, मैं स्टेटमेंट पीसेस पे ही गई हूँ। सो दिस इज अ ब्यूटिफुल हॉट पिंक स्वीट हार्ट नेक विथ फुल स्लीव्स और टॉप और ये मुझे देखते ही इतना पसंद आ गया था कि मैं इसको मैं 100 ways की से स्टाइल कर सकती हूँ, तो मैंने वही ध्यान में रखते हुए इसको लिया है। व्हेनेवर यू बाय अ क्लोथ आप दिमाग सबसे पहले आप यही लगाइए कि आप इसको किस किस तरीके से पहन सकते हो क्योंकि सिर्फ एक बार पहन के छोड़ देना इज नॉट अ वाइज चॉइस। आपके वार्डरोब में आपके पास हर दिन के लिए नए कपड़े तो होते नहीं है, तो हमेशा एक कपड़े को आप कितना रीयूज कर सकते हैं उस ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए कपड़े लीजिए। एंड दिस वाज फॉर 1600 अगर ओरिजिनल प्राइस देखा जाए तो, बट ये मुझे 990 में मिल गया एंड इसका फैब्रिक इसका स्ट्रेच सब कुछ बहुत अच्छा है, यू कैन सी बहुत अच्छा ये स्ट्रेच करता है और इसका जो फिट था वो भी मुझ पर बहुत प्यारा लग रहा था। सो इट्स अ स्टील डील, आई सेड बेसिक्स मीन्स बेसिक। ये मैंने एक स्ट्राइप टॉप लिया है एंड इसकी अगेन फुल स्लीव्स है एंड टी शर्ट इसका नेक है एंड दिस इज अगेन ओके, इसका प्राइस टैग हट गया है बट दिस इज समवेयर अराउंड 1500 to 2000 और ये मुझे वही 1000 में पड़ा होगा बिकॉज दिस इज अ डिस्काउंटेड आइटम, ये मुझे अच्छी तरीके से याद है। ये और जो हॉट पिंक वाला है वो मैंने एक ही जगह से उठाया था एंड ये अगेन ऐसा पीस है अगर आप इसके नीचे व्हाइट जीन्स डालो, अगर आपके पास सेम ग्रीन जीन्स है आप वो डाल सकते हो, यू कैन पेयर इट विद ब्लू जीन्स और यू कैन वेयर इट इन साइड अ ट्रेंच
और उससे भी आप इसको बहुत अच्छी तरीके से स्टाइल कर सकते हो इन विंटर्स इन समर्स, ये आपको कैसे भी बहुत काम आ सकता है। सो अगेन अ बेसिक पीस बट वेरी वर्सेटाइल। क्योंकि कोई भी बोरिंग आउटफिट में अगर आप एक थोड़ा सा कलर डालो, पॉप ऑफ कलर हो, तो वो बहुत अच्छा रहता है। तो मैंने वो ध्यान में रखते हुए ही सारी चीजें ली है। ह्यूज फैन ऑफ टेलर पैंट्स, और इससे पहले भी मैंने एक टेलर पैंट ली थी लेकिन मेरे साथ धोखा हो गया था। मैंने ना उसको जल्दी जल्दी में खरीदा, बाद में मुझे पता चला वो नीचे से नैरो है, मुझे वो बहुत गंदी लग रही थी। मुझे ना हमेशा पैंट्स जो नीचे से वाइड होती है वही अच्छी लगती है, बिकॉज यू नो इट मेक्स शॉर्ट पीपल लुक टॉल, और मैं एक शॉर्ट लड़की हूँ, तो आई एम लाइक 5'2" 5'3" समथिंग। तो उसके अकॉर्डिंग ना ये पैंट्स मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल देर हाई वेस्टेड एंड देन देर वाइड फ्रॉम द वेरी एंकल, तो ये आपको लंबा दिखाती है। एंड इसके ऊपर अगर आप कुछ ट्रेंच डालो या यू नो समथिंग बॉडी अगेन, लुक्स रियली रियली क्लासी। सो इस बार फाइनली मैंने ली एक हाई नेक और फुल स्लीव्स का टॉप, क्योंकि ये मेरा स्टाइल है, मुझे ना ऐसी चीजें पहनना बहुत अच्छी लगती है। एंड दिस इज फॉर 990 बट देन सेल में, दिस इज समर्स एंड आई कैन प्ले विद कलर्स एज मच एज आई वांट। फॉर समर्स वार्डरोब दिस इज द बेस्ट थिंग, अगर आपके पास कलरफुल चीजें हैं उनको स्टाइल करो, उनको पहनो, बहुत मजा आएगा। बेसिक्स, तो ये भी एक बेसिक फुल स्लीव्स तो नहीं है सॉरी, बट दिस इज द हाई नेक एंड आप कैसे यहाँ तक की स्लीव्स इसमें है। एंड ये मैंने अगेन लिया है डेनिम्स के अंदर पहनने के लिए, या फिर नॉर्मली ऐसे ही जब मैं एयरपोर्ट वगैरह पे जाती हूँ तब भी मैं इसको पहन सकती हूँ। सो इट्स द मटीरियल इज नॉट वेरी समरी, इट्स काइंड ऑफ यू नो विंटर्स वाला स्टफ, बट देन आप इसको गर्मी में पहन सकते हो, उतना मोटा नहीं है। एंड दिस वॉज अगेन फॉर 990 एंड आई गॉट दिस फॉर 690। ज़ारा की जो डेनिम्स होती है इनका फिट इज लाइक बहुत ही अच्छा होता है। तो जब भी ज़ारा की सेल होती है तो सबसे पहले मैं जाती ही डेनिम वाले उस पर हूँ, क्योंकि मुझे पता है इसका जो साइज है वो मुझे सबसे अच्छे से फिट होगा। सो आई गॉट दिस डेनिम जीन्स एंड ये वैसे पड़ती मुझे 3000 की, बट सेल में अगेन मुझे 2000 की पड़ी। एंड इसका फिट से लेके इसका कलर एवरीथिंग लाइक इज सो नाइस। और सबसे अगेन सबसे अच्छी चीज़ यही होती है जब आपको डेनिम एकदम फिट हो जाए, बिकॉज कोई भी रैंडम ब्रांड की जो जीन्स होती है वो आपको फिट नहीं होती, किसी को छोटी पड़ जाती है, किसी को वेस्ट से नहीं आती है। मुझे हमेशा प्रॉब्लम होती है वेस्ट की, क्योंकि मैं थोड़ी सी मोटी हो गई हूँ। सो उसके लिए ये मुझे बहुत अच्छे से फिट होती है, स्पेशली द थाइज वाला पार्ट, वहाँ से ये इतना प्यारा आपको फिट देती है दैट यू नो यू लुक टॉल ऑल्सो एंड लुक फिट ऑल्सो इवन इफ यू आर नॉट। सो लेटली मैंने थोड़ी बहुत शॉर्ट्स पहनना चालू किए एंड आई स्टार्टेड अपलोडिंग पिक्चर्स एंड पीपल लाइक व्हाई डोंट यू वेयर शॉर्ट्स, व्हाई डोंट यू वेयर शॉर्ट्स। सो मैंने इस बार ज़ारा से दो शॉर्ट्स लिए हैं। पहला लिया है ये बेज कलर का, इट ऑल्सो हैज दिस बेल्ट एंड इट इज फॉर ओ अगेन द टैग इज लॉस्ट, नो इट्स योर ओके टीम वाले मुझे बता दीदी नीचे देखो नीचे ही है। ओके सो दिस इज फॉर 2500 एंड आई गॉट इट फॉर 1790 एंड इट इज वेरी वेरी कंफर्टेबल। आप हॉलीडेज पे या यू नो आप ट्रैवल कर रहे हो आप इसको पहनो, पहली बात तो बहुत कंफर्टेबल रहोगे, दूसरी बात ये बहुत ही स्टाइलिश लगेगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट तो मैंने इसको बेल्ट के लिए लिया था, मुझे बेल्ट को अगेन अ शॉर्ट एंड ये मैंने ब्लैक कलर में इसलिए लिए क्योंकि मेरे पास ब्लैक शॉर्ट्स थे बट ऐसे ना ऐसे टेलर्ड वाले नहीं थे, ऐसे थोड़ा सा अच्छे लुक वाले नहीं थे एंड इट इज अगेन हाई वेस्ट, वो भी मेरे पास नहीं थे। तो मैंने सोचा दिस इज अ गुड टाइम टू वेयर शॉर्ट्स एंड टू गेट शॉर्ट्स, तो मैंने इसलिए लिए। एंड दीज वर फॉर 2000 एंड आई गॉट इट फॉर 2000, दिस वॉज नॉट ऑन डिस्काउंट। मैंने शायद पहले ही चीज़ रियलाइज नहीं की थी, मैंने अभी भी चीज़ रियलाइज की और मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा है, बट कोई बात नहीं। ऑन टू सूरज क्लोथ्स, और इस बार उसने लिए हैं अ पेयर ऑफ वाइट ट्राउजर, और ये वो कई बार दे चुका है और वो हमेशा रख के भूल जाता है, उसके बाद वो वापस जब भी कोई सेल आती है उसमें से मंगा लेता है। खैर इस बार जो इसने ये ट्राउजर्स लिए हैं, पहली बात तो इनका स्टफ इतना प्यारा है, मैं आपको सिर्फ आई कैन जस्ट touch it and tell you, obviously you cannot feel it, but बहुत ही प्यारा है एंड ज़ारा है तो आई नो उसको फिटिंग भी बहुत ही अच्छा आया होगा। मैंने बाकी सब कुछ देखा है बट इसका फिटिंग उसको नहीं देखा कैसा है, बट आई नो अच्छा है तभी उसने लिया है। एंड दिस इज फॉर 3000 एंड सेल ही गॉट इट फॉर 2000। सो ट्राउजर्स या जीन्स एंड एवरीथिंग मैं आपको बताई दिया कि ज़ारा के हमेशा ही बहुत अच्छे होते हैं, तो उसने पक्का से वही ध्यान में रखते हुए इसको लिया।
तो मैंने उसको इस बार बोल दिया था कि इस बार तू ज्यादा बेसिक से लेना, क्योंकि उसने पिछली बार क्या है बहुत वैसे जैकेट्स एंड ऑल ज्यादा ले लिए थे, तो उस वजह से वो कुछ खास उनको पहन नहीं पाए. यू नो आप जैकेट्स तो ऊपर पहनते हो तो उनको ज्यादा उस तरीके से स्टाइल भी नहीं कर सकती, लड़कियां तो फिर भी कर सकती है. सो इस बार उसने भी मेरी बात ध्यान में रखते हुए ज्यादा बेसिक्स ही लिए, जैसे व्हाइट ट्राउजर लिया था उसने और ये लिए ब्लैक टी शर्ट एंड इट हैज दिस you know nice design of the skirt on shoulder and it's pretty basic but iska stuff pehli baar bahut acha hai and dusri cheez sale mein वैसे ये थी 2000 की, सेल में ये 1500 की पड़ी एंड इसकी भी फिटिंग उसको बहुत प्यारी लगी इसलिए उसने ये खरीदी. और बेसिक बट नॉट टू बेसिक चीज सूरज ने ली है विच इज दिस चेक शर्ट एंड इसका जो मटेरियल है वो बहुत ज्यादा समरी नहीं है, इट्स क्वाइट हाउ वुड आई से क्वाइट वार्म और पहनने के बाद ही बहुत ही रिच लगता है एंड द वेरी फर्स्ट टाइम ही लाइक पुट इट ऑन एंड ही केम एंड आई वाज लाइक ये तो इसमें बहुत अच्छा लग रहा है. बिकॉज लगता है ना कि उस पर चेक्स जो है और ऐसे जो स्टफ है वो बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हैं. सो ये उससे लिया 3000 एंड ही गॉट इट फॉर 2000 इन द सेल, सो आई लिंक इट डाउन. सूरज लव ज़ारा की जैकेट्स और इसीलिए वो जैकेट बहुत ज्यादा लेता है, लेकिन इस बार उसने फिर भी बहुत कम लिया, आई थिंक 2 या 3 ही लिए, कह रही है अभी कोई बहुत ज्यादा कम नहीं है. तो उसने अगेन चेक्स, मैंने जैसे कि कहा वो चेक्स में बहुत अच्छा लगता है, तो उसने एक चेक्स की जैकेट ली है. दिस वाज फॉर 5000 बट इन सेल ही गॉट इट फॉर 3000. जैसा कि मैंने कहा था मुझे इस जैकेट का सच में नहीं पता था कि उसने ली है, क्योंकि इसका जो ब्लू शेड है वो पहले ही वो लेके आ चुका है, बट ही गॉट इट इन पिंक शेड ऑल्सो, बट आई एम प्रीटी प्राउड ऑफ हिम क्योंकि कलर्स के साथ खेलने से मुझे पसंद है, उसको भी बहुत ज्यादा पसंद है एंड उसे ना ऐसी ब्लू जैकेट्स पिंक जैकेट्स और ये बहुत अच्छी लगती है. 3000 एंड ही गॉट इट फॉर 2000 इन द सेल एंड यार अभी मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना कि मुझे लग रहा है मैं भी ये ले सकती हूँ, पहन सकती हूँ, क्योंकि सच में बहुत ही प्यारा लग रहा है. द पिंक ओवर हियर इज नॉट वेरी पिंक, इट्स काइंड ऑफ अ लैवेंडर कलर बट बहुत ही प्यारा. आई एम गोइंग टू शो यू नाउ. ये सूरज ने पहले ली थी, पहनी और वापस रख दी, फिर मैं अपनी शॉपिंग करके आई अपने बैग्स के साथ और मैंने ये जैकेट देखी और मैंने इसको उठाया, मैंने पहले इसको वापस से अपने शॉपिंग बैग में डाल दिया बिकॉज दिस इज अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ग्रीन जैकेट एंड ये बिल्कुल भी समर का पीस नहीं है, दिस इज अ प्रॉपर विंटर पीस एंड इसका बैक ही है इसका प्रॉपर हाईलाइट. लुक एट दिस ब्यूटी, कितना सुंदर है ये. आई वॉन्टेड समथिंग लाइक दिस, सो मेरी नजर पड़ते ही मैंने इसको ले लिया एंड बाद में सूरज वाज लाइक यार ये तो मैंने निकाल दिया था बट मैंने कहा नहीं मुझे ये चाहिए था एंड देन वाज लाइक ठीक है मैं भी पहनूंगा बट मैं उसको नहीं पहनने देने वाली हूँ. एंड दिस इज अ प्रीटी कॉस्टली स्टफ ओके, तो इसका जो प्राइस टैग है वो निकल चुका है बट आई एम श्योर इस 6000 समथिंग का था जहां तक मुझे याद है, एंड वी गॉट इट फॉर 3500 समथिंग. सो ये वो वाली चीज है कि अगर आप चाहते हो, अगर आपको चाहिए ऐसा कुछ तो ही आप लोग. मोर पीस दैट आई इंसिस्टेड सूरज टू परचेज वाज दिस स्वेटर, दिस इज अ स्वेट शर्ट भी आप इसको कह सकते हो, आप इसको प्रॉपर स्वेटर भी कह सकते हो एंड दिस इज 3000 वी गॉट इट फॉर 7790. अब मुझे ना ये बहुत ही क्यूट लगा, मतलब बहुत ही क्यूट लगा एंड आई थॉट सूरज भी इसको पहन के बहुत क्यूट लगेगा बट सूरज को ट्राई नहीं किया क्योंकि उसको उतना पसंद नहीं आया बट ही वाज लाइक ठीक है अगर मैं नहीं ले रहा हूँ देन यू टेक इट क्योंकि मुझे पता है कि तुझे इसको लेना है तेरा मन है. सो बेसिकली मैंने इसको इसलिए बिकॉज दिस इज वेरी यू नो लूज फिट येट वेरी वॉर्म तो मैं इसको सर्दियों में जरूर पहनूंगी. नाउ मूविंग ऑन टू माई वेरी फेवरेट पार्ट, मतलब सबसे ज्यादा फेवरेट पार्ट एंड इट इज द शूज द हील्स दैट आई बॉट फ्रॉम ज़ारा. वैसे मैं एक चीज बता दूं, ज़ारा और H&M की जो हील्स होती हैं स्पेशली हील्स दे आर नॉट रियली कंफर्टेबल बट इस बार मुझे कैसे हील मिली मुझे कंफर्टेबल भी लगी और बहुत ही सुंदर भी लगी. दिस ब्यूटीफुल ब्लैक प्यूरी इन फ्रंट ऑफ यू गाइज, ये बहुत ही प्यारी है, मतलब इनका जो हील है वो भी कोई बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, दैट्स व्हाई दे आर प्रीटी कंफर्टेबल और इनका जो आगे का मतलब पूरा शेप है वो आपके पैरों के लिए काफ़ी कंफर्टेबल है एंड दिस इज लाइक जो समर की जो हम स्लीपर्स पहनते हैं वी गो ऑन बीच एंड एंजॉय कुछ कुछ वो वाला लुक भी है. सो इट डिपेंड्स अपॉन यू आपको ये कैसी पहननी है. प्राइस है 3500 बट आई गॉट दीज फॉर 2500 और मैंने एक बार में देखते ही इनको पसंद कर लिया था, बहुत अच्छी लगी मुझे. नेक्स्ट आई हैव दीज शूज और ये शूज ना मैंने कई बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स के अंदर देखे थे बट देन दे वर वेरी वेरी कॉस्टली और मेरी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उनको ले लूँ बट मुझे सिमिलर शूज ज़ारा में मिल गए एंड दे आर फॉर अच्छा अगर आप ओरिजिनल प्राइस देखो तो काफ़ी ज़्यादा है विच इज 5500 बट आई गॉट दीज फॉर 3000 इन सेल और मुझे इनका 3000 काफ़ी सही लगा क्योंकि पहली बार तो ये कंफर्टेबल बहुत है और मुझे ना एक ऐसा पीस चाहिए था बहुत टाइम से पर मेरे साथ एक प्रॉब्लम है मेरे पैर इतने छोटे से ना मुझे मेरा साइज मिलता नहीं है और कभी मिलता भी है तो ना मुझे डिट्टो ऐसी चीज़ नहीं मिल पाती तो बस सोने पर सुहागा हो गया साइज ही मुझे मेरी मिल गई और जैसे मुझे चाहिए थे वही शूज़ मिल गए तो मैं बहुत खुश. बैग में सिर्फ सूरज के शूज़ हैं वो तो मेरा शूज का बहुत ज्यादा ऑब्सेशन है
एंड सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी वो शूज जो मुझे बहुत बहुत ज्यादा पसंद आए थे, विच आर दीज वाइट पेयर ऑफ शूज एंड लुक एट दीज स्नीकर्स यार, ये कितने प्यारे हैं, स्पेशली दिस वाइट टेक्सचर व्हाटएवर यू कॉल इट, ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। एंड ये थे 4000 के, नहीं गॉट इट फॉर 3000, बहुत ही बढ़िया लड़के तूने देख के किया, क्योंकि मैंने एक शूज बिना लेके उठा पर कोई बात नहीं, वो बहुत प्यारे लग रहे थे, ये मेरा जस्टिफिकेशन है। हालांकि दीज वर माय फेवरेट, तो मैंने सबसे पहले ये आपको दिखाए हैं, दीज आर सूरज फेवरेट शूज, और उसने कहा है कि मैं इसको अपने जिम में पहनने वाला हूँ। मैंने देखी उसकी, उसको जो भी शूज अच्छे लगते हैं ना, वो कुछ टाइम बाद अपने जिम में पहना चालू हो जाता है, थोड़े दिन तो उनको बड़े प्यार से लगता है, फिर उनको जिम में पहना चालू हो जाता है। बट दीज आर द फर्स्ट शूज जिसके लिए उसने स्ट्रेट अवे बोल दिया आई एम गोना वेयर दीज इन माय जिम। सो पहली बात तो ये उसके चॉइस के हैं, मुझे ना ऐसे आगे से ये वाली चीज थोड़ी कम पसंद आती है, वेदर शूज लाइक एक्सटेंडेड टू मच, बट उसको ये बहुत पसंद है। एंड दीज वर फॉर 4200, इट्स देयर ओरिजिनल प्राइस, एंड ही गॉट इट फॉर 3000, आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ हिम। बहुत ही एक सफेद शू आ गया, एक कलरफुल आ गया, तो एक ब्लैक लेना तो बनता ही है, तो इस बार सूरज ने कुछ ऐसा ही किया है, उसने एक ब्लैक शू का पेयर भी जरूर लिया है। एंड इनका प्राइस है ओरिजिनल 4200, एंड ही गॉट इट फॉर 3500, इससे पहले वाले ने ज्यादा पैसे बचाए, इसमें कम बचाए, बट ठीक है कोई बात नहीं, द क्वालिटी इज रियली रियली नाइस, एंड ही सेड दे आर वेरी वेरी कंफर्टेबल, सो थम्स अप। सेल में जाऊं और वहां परफ्यूम हो और मैं ना लेकर आऊं, ऐसा हो ही नहीं सकता। एंड मैं इसकी चीज आपको बताती हूँ, ये वाला जो ये पूरा पैक था ना, ये ओपन था, सो आई गेस कुछ लोगों ने इसको यूज भी किया होगा लाइक एज टेस्टर, बट मैंने देखा कि ठीक है दिस इज प्रिटी फिल्ड, और मुश्किल से कुछ इतना सा ही यूज था, बट इसमें क्या था कि ये पूरा स्टॉक निकल चुका था। दिस इज ज़ारा ऑर्किड एंड गार्डनिया, तो इसका जो गार्डनिया था वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया, मतलब मुझे उसके अलावा कोई फ्रेगनेंस ही पसंद नहीं आई फिर वहां पर, तो मैंने ये वाला लेने के लिए मैंने कहा भैया कोई बात नहीं, ओपन है तो मुझे ओपन दे दो, मैं ओपन उठा के लेकर आई हूँ, सोचो। एंड ये दोनों मुझे पड़े हैं 90,000 रुपीज में, लाइक ये दोनों बॉटल्स आ गई मेरे पास। लास्ट वीडियो दैट आई अपलोडेड द मॉनसून हेयर केयर वाला वीडियो, ऑन दैट वीडियो यू गाइज कमेंटेड कि आपको प्रोटीन शेक का वीडियो चाहिए, सो गाइज इससे नेक्स्ट वीडियो वो प्रोटीन शेक वाला वीडियो ही आने वाला है, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। तो गाइज ये था मेरा 60,000 रुपीज का ज़ारा हॉल, और मैंने सब कुछ आपको दिखाया है, आपको सबसे अच्छा क्या लगा पहले तो वो कॉमेंट करके बताना, और आपको किसकी परचेज ज्यादा अच्छी लगी, मेरी या सूरज की, वो भी कमेंट करके बताना। एंड गाइस आप इसमें से क्या परचेज करने वाले हो वो भी कमेंट करके बताना, सो यू हैव 3 थिंग्स टू कमेंट ऑन, तो बड़ा ध्यान से आपको वीडियो को देखना है। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, कीप ग्लोइंग, बाय बाय।